गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम लोग अभी बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आज बाहर बहुत सारे काम हैं, जैसे आज लविश के एडमिशन के लिए हम लोगों को स्कूल जाना है। फाइनली उसका स्कूल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, फाइनल कर लिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके एडमिशन के लिए वैसे तो बहुत लेट हो गया है, क्योंकि अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि हम लोग नई जगह शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई हम लोगों को सर्च करने में, क्योंकि ये जगह जहाँ पर अभी हम लोग हैं ये थोड़ा सा आउटर है सिटी से, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे स्कूल है नहीं। लेकिन फिर भी एक अच्छा स्कूल फाइनली मिल ही गया है। उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, तो मिल गया है। तो आज हम लोग को उसका स्कूल भी जाना है, एडमिशन उसका करना है, और इसके अलावा कुछ घर का सामान लेना है और भी बाहर के 2-4 काम हैं। तो सब्जी बन गई है मेरी और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा दिए गए हैं, और अभी मैं वेट कर रही हूँ संगीता दीदी का कि वो आएंगी। जैसे ही उनका काम होगा तो हम लोग निकल जाएंगे। और मैं आप लोगों को थोड़ी देर से लविश से भी मिलाती हूँ, अभी थोड़ा सा बिजी है वो खाने में, उसके बाद जैसे ही फ्री होता है तो मैं आप लोगों को लविश से भी मिलाती हूँ। तो फिलहाल तो इंतजार ही हो रहा है संगीता दीदी का, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो हम लोग अभी खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, और खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग निकल जाएंगे। हर जो भी काम है वो करने के लिए बाहर निकलना है, तो पहले से काफी लेट हो गया है। संगीता दीदी काम करके जा चुकी है, बस अभी खाना बाकी है, तो बस मैं अभी सब्जी मैंने गरम करने के लिए लगाई है और फिर हम खाना खाते हैं। यहाँ मैंने सब्जी गरम होने के लिए चढ़ा दी है और यहाँ राइस भी बनकर अभी तैयार हो चुका है। सो हम लोग अभी तैयार हो गए हैं बाहर जाने के लिए, और मैं लवेश से मिला ही नहीं थी, तो ये रहा लवेश। अरे शकल तो दिखा दो, मूड में नहीं है लवेश। लवेश अभी मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि उसने मुझसे कुछ मांगा था और मैंने उसको कुछ दिया नहीं, तो इसलिए मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है वो। तो बस अभी हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ आप लोग देख सकते हो, दिख रहा होगा यहाँ पे आज थोड़ा मौसम खुला हुआ था, धूप निकली हुई थी थोड़ी देर पहले, तो कपड़े डाल दिए हम लोगों ने बाहर गैलरी में ताकि आज अच्छे से धूप मिल जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले धूप भी पता नहीं कहाँ चली गई। आज बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे गैलरी पर खड़े होके हवा का मज़ा ले रही हूँ बहुत दिनों बाद। चुके हैं और अभी लवी उसकी एडमिशन प्रोसेस कर रहा है। ये रहा पीछे उसका क्लासरूम, वैसे तो स्कूल लगना है नहीं, ऑनलाइन ही है, लेकिन मैं फिर भी लवेश को दिखाने लाई हूँ कि कैसा है उसका स्कूल, कैसा है उसका क्लासरूम। तो पीछे जो दिख रहा है वो उसका क्लासरूम है, आप लोग देख सकते हो। अभी घर वापस आ गए हैं और लविश का एडमिशन हो गया है, और मैं आप लोगों को उसकी बुक्स दिखाती हूँ। बुक्स भी हम लोगों को मिल गई है, ये रही उसकी बुक्स। तो लविश का एडमिशन हो गया, उसकी बुक्स भी आ गई है, और कल से उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। कल उसकी 10 बजे से 2 बजे तक क्लास रहेगी। और अभी मैं कॉफी बना रही हूँ, और इसके बाद हम लोग को फिर अभी वापस जाना है, टी मार्ट जाना है, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। तो अभी हम लोग जल्दी से कॉफी पीते हैं और फिर वापस निकलते हैं टी मार्ट के लिए।
मेरी कॉफी यहाँ पर बन चुकी है और अब ये कॉफी जा रही है रवि के पास क्योंकि वो सो गए हैं, तो अब यही कॉफी उनको उठाएगी। ₹40 खा गया तू? ₹40 अच्छा खासा खाना है। ₹40 में कुछ पेट भरा था तेरा जबरदस्ती खाने का? तो वो कॉफी हो गई है, कॉफी पी लिया हमने और बस अभी निकलने की तैयारी है। अब जाना है डी मार्ट, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से सीधा डी मार्ट में। हम लोग घर आ गए हैं और मैंने बस अभी कपड़े चेंज किया है और अभी एक कप और कॉफी मैंने बना दिया है और पी भी लिया है क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी डी मार्ट में। थोड़ा सा टायर्डनेस भी लग रही थी और थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मतलब मैंने सोचा कि आधा तो आधा आधा कप कॉफी बनता है। और बस आज का दिन कुछ यूं ही गुजर गया और डी मार्ट में इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब इतना ज़्यादा धक्का मुक्की कर रहे थे ना कि वीडियो के बारे में तो सोच ही नहीं सकते थे। बस ऐसा लग रहा था कि वहाँ से किसी तरीके से जल्दी सामान लेकर निकल जाओ क्योंकि इतना ज़्यादा कोरोना, मतलब क्योंकि बाहर ज़्यादा देर तक रहना रिस्की है, अभी भी कोरोना है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेंस मेंटेन करना बनता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए और अभी हम लोग घर आए हैं और कॉफ़ी तो पी ली गई है, खाना खाना बाकी है, तो थोड़ी देर में खाना खा के और फिर मैं जल्दी ही सो जाऊँगी क्योंकि कल से लविश का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, उसका टाइमिंग है 10 से 2 बजे तक, तो मुझे तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, साथ में उसको भी जल्दी उठाना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए आज मुझे जल्दी सोना ही है और लविश को भी जल्दी सुलाना ही है। अब अपना रूटीन मुझे ठीक करना पड़ेगा क्योंकि मैं आराम से उठती थी तो सारे काम भी फिर मेरे आराम से ही होते थे, लेकिन अभी सब बदलना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा मुझे लविश के लिए। और तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।